एक बार एक इंसान था और वो जो इंसान था वो अपने मित्र से मिलता है और उसका जो मित्र है वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ, मतलब सफलता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। ये भी बहुत मेहनत करता था लेकिन सफलता उसको नहीं मिलती थी। काफ़ी मेहनत के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। जब उसका मित्र मिला तो उसके मित्र को बोला कि तू इतना सफल कैसे, मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ, तुम मुझे कुछ बता ताकि मैं भी सफल हो। तो लोग कहीं पर बैठे थे, वो ठीक है तेरा जो गोल है, तेरा जो लक्ष्य है, तेरा जो टारगेट है जो तूने बनाया होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इतना करना है, वो कागज रहा, वो गोल मुझे दिखा। बोले वो तो मेरे पास नहीं है। बोले बैग में रखा हो तो बैग में से निकाल दे। बोले नहीं बैग में नहीं है। बोले फिर घर में रखा होगा तूने, घर में से लेकर रख। बोले घर में भी नहीं है। तो बोले तेरा कोई गोल, तेरा कोई टारगेट, तेरा कुछ है नहीं? बोले नहीं। बोले फिर तू मेहनत क्या करता है, फिर किस बात के लिए तू मेहनत करता है जब तेरे पास कोई लक्ष्य नहीं, तेरे पास कोई टारगेट नहीं, तेरे पास कोई गोल नहीं, मेहनत कैसे करता है? अगर तू चला जा रेलवे स्टेशन और जहाँ से टिकट मिलती है उस खिड़की पर जाकर ऐसा बोल कि मुझे टिकट दो। बोले कहाँ की, कहीं की भी दे दो। वो क्या करेगा, देगा टिकट वापस देगा? कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट तो होना चाहिए कि जिसके हिसाब से हमें काम करना है। 500 किलोमीटर अगर दूरी पर जाना है, वक्त पर इंसान टिकट निकालता है, रिजर्वेशन करता है, सारी तैयारियां करता है। 500 किलोमीटर काटने में कितना वक्त लगता है, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, और ये ज़िंदगी का सफ़र कितना लंबा है। और उसके लिए कोई टारगेट नहीं, उसके लिए कोई गोल नहीं, कितना काम करना है वो पता नहीं। फिर आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी भागो, बिना टारगेट, बिना गोल आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो मेहनत हम करते हैं तो किस बात के लिए मेहनत करते हैं? टारगेट बनाओ, अपने पास एक नोटबुक रखो, उसमें लिखो ये महीने में मुझे इतना काम करना है, ये हफ्ते में मुझे इतना काम करना है, तो पता चलेगा कितना भागना और कहां पर भागना है और किस तरह से काम करना है। वरना बिना गोल उस बस कंडक्टर के समान पूरे दिन घूमते रहो और जाना भी कहीं नहीं, ऐसा ना हो जाएगा। एक अंग्रेज था और इंडिया में आए थे और किसी गांव में चले गए, तो गांव के एक भाई साहब ने बोला आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया तो गांव वालों के घर में तो वो पशु वगैरह रखते वो लोग, तो अंग्रेज को बिठाया और सामने ही भैंस थी, ताज़ा दूध निकाल कर अंग्रेज के सामने ही निकाल कर लेकर आया। थोड़ा सा भी मिक्स नहीं, कुछ नहीं, दो बड़े ग्लास, दोनों ग्लासों में दूध डाला और फिर अंग्रेज को भी दिया, खुद के पास भी रखा। बोले पियो। अब इसको इतना पता था कि अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो ग्लास टकरा कर बाद में पीते, इससे भी ग्लास को टकराया। बोले पियो। अभी गांव वाले तो मुंह पर लगा दी ग्लास, ग्लास खत्म करके रख दी। अभी अंग्रेज ने तो ग्लास ग्लास भी नहीं उठाया था। अरे बोले वैसे अभी तक ना पिया नहीं। बोले मैं सोच रहा हूँ। बोले क्या सोच रहा है? बोले काली भैंस हरा चारा खाती, वो सफ़ेद दूध कैसे आता है? मैं सोच रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, काली भैंस हरा चारा खाती है और सफ़ेद दूध कैसे देती है? कई लोग यही सोचने में रह जाते हैं, ये इतना आगे क्यों बढ़ा, ढूंढता है उसके बारे में।
क्या खाता है, क्या पीता है, और सफल इंसान काम करते जाता है और काम ख़त्म भी कर लेता है और अपना काम पूरा भी हो जाता है, वो सफल भी हो जाता है और ढूंढने वाले ढूंढते ही रह जाते हैं। हालेलुया।